दूर सागर इलाके में दो पक्षों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि पथराव के बाद दुकानों और वाहनों को आग लगा दी गई। पुलिस को हालात में काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। ये हुआ क्या और कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में देखते हैं। पत्थरबाजी, आगजनी, आंसू गैस के गोले, ये तस्वीरें जोधपुर के सूरसागर थाना क्षेत्र की हैं, जहां शुक्रवार की रात दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ। तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। अराजक तत्वों ने दुकानों और वाहनों में आग लगा दी। घरों पर भी जमकर पत्थर चलाए गए। पत्थरबाजी के दौरान कुछ पुलिस वाले भी घायल हो गए। हालात को बिगड़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और आंसू गैस छोड़कर उपद्रवियों को तितर बितर किया। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मैं गिर गिरा लो, मेरे बच्चे अंदर तड़प रहे, चौराहे पे पुलिस वाले खड़े हैं कि हमारा काम नहीं, हमारी ड्यूटी यहाँ है। अरे बच्चों रो रहे, दो लड़के, चार बच्चे, कोई जेंट्स आदमी घर में नहीं, और प्रशासन के मिली भगत से ये काम हुआ है। मैं प्रशासन को आवाज दे रहा हूँ, मैंने सर मेरे गैरेज में आग लग रही है, आप यहाँ आई है, वो एक भी प्रशासन के लोग मेरे पास यहाँ आए नहीं और ना आग आग बुझाई। और आप और मैं बार बार मैं उनको आवाज दे रहा हूँ सर, मैंने इधर आई है, एक भी नहीं है, सब उधर मोहल्ले की तरफ से सब भागे जा रहा है। पुलिस थाना सूरसागर में शाम के करीब 6-7 बजे के आसपास जो है पथराव की सूचना मिली, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। व्यापारियों का मोहल्ला सुभाष चौक कुछ कॉलोनी है जो सूरसागर थाना क्षेत्र में, वहां पर पुलिस पर भी पथराव किया गया और उस संबंध में अभी मौके पर संपूर्ण जाप्ता कमिश्नरेट का वहां पहुंचा और मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और जिन लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया है या धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया है, उनको दस्तियाब कर थाने लेकर आए। बताया जा रहा है कि पिछले 15 साल से ईदगाह की जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा है। पुलिस ने दोनों जमीन को लेकर दोनों समुदायों के बीच समझौता भी कराया था कि दोनों पक्ष इस जमीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ईदगाह के दरवाजा खोलकर विवादित जमीन का इस्तेमाल करने पर दूसरा पक्ष नाराज हो गया। 15-20 साल पहले इस जमीन पर हम मंदिर बनाना चाहते थे और हमारे किसी मोहल्ले किसी गरीबी पूर्णाराम जी की दोस्ती की कोई शादी भी थी, तो मैंने अंदर टेंट भी लगाया और वो मंदिर का निर्माण चबूतरा बनाने के लिए भी कार्य कर रहे थे। उसी समय ये सतार और कुछ काफी मुंडन वगैरह यहाँ आए थे और कभी काम बंद करो, ये जमीन हमारी है, हम नहीं बनाने देंगे, टेंट वगैरह सब नीचे नाक दिया हटाने। फिर वो आज मैं थाने में भी गए, सही थे ओम प्रकाश जी, गौतम जी थे, वो भी मौके पर आए थे और काफ़ी पुराना विवाद चल रहा था इस जमीन पर। उसमें ये समझौता हुआ कि भाई नहीं तो इस जमीन को अभी विशाल देर में वाल्मीकि समाज काम में लेगी, नहीं माली समाज लेगी, नहीं मोमडन समाज लेगी, और नहीं यहाँ कोई गेट खोला जाए। ईदगाह जमीन विवाद के बीच आंखों का बास मोहल्ले के दो लड़कों का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और दोनों पक्ष फिर आमने सामने हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हालात बेकाबू हो गए। तो फिर मैंने मेरे देवर को फोन करके पूछा भाई यहाँ पे क्या कंडीशन है, तो उन्होंने बोला बहुत खराब है, आप आराम से आना। फिर भी हम पीछे वाले रास्ते से आराम से आके फिर हमने हमारी गाड़ी वाड़ी सब अंदर डाल दी, फिर हमने यहाँ का लॉक दिया, पीछे का लॉक दिया। थोड़ी देर के बाद हमने देखा तो यहाँ पे आग लगी, हमारे यहाँ पे सामने लेडी को पत्थर भी लगा है और कुछ बच्चे को भी लगा है, पीछे वाले पत्थर ने फेंका, तो इतने बड़े बड़े पत्थर थे। रात को हुल्लड़ होया, हम तो सो गए और फिर जाके देखे तो यहाँ पत्थरबाजी हो रही थी। बवाल के दौरान फिलहाल किसी जनहानि की खबर नहीं है, पूरे इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब पुलिस को विवाद का पहले से ही पता था तो लापरवाही से काम क्यों लिया गया, क्यों नारेबाजी और बवाल के लिए उकसाने वाले लोगों को ढील दी गई,
क्यों भीड़ के उग्र होने का इंतजार किया गया, जिससे सूर्य नगरी की शांत फिजा में अशांति फैल गई। जोधपुर से न्यूज 18 के लिए चंद्रशेखर की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जोधपुर में हुए बवाल को लेकर बीजेपी को घेरा है और प्रदेश में भाईचारे को बिगाड़ने का भी आरोप लगाया गया है। सुनिए। पूरे राजस्थान के काफी शहरों में ये राजस्थान की जो बीजेपी की सरकार है वो खुद ही दंगे कराने में लगी हुई है। और मैं बीजेपी की सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल जी से कहूंगा, आपका होम डिपार्टमेंट भी है, आप अपनी जिम्मेदारी को समझो। आप पहली बार के एमएलए हैं, कोई बात नहीं, आपको बहुत बड़ा मौका मिला मुख्यमंत्री, तो आपको इमेज बनानी चाहिए, लगना चाहिए कि पहली बार के मुक्का एमएलए को यदि आपके बीजेपी के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है तो आप क्या कर रहे हो। अभी चुनाव तो 4.5 साल बाद है, अभी इसे आप हिंदू मुसलमान करने में लग गए। आप बताइए, ऐसे प्रूफ आ गए कि ये बीजेपी के खुद पदाधिकारी खुद एमएलए बीजेपी के आगे बढ़कर और सब जगह वो जाकर है ना एक ही काम कर रहे हैं कि जगह जगह ईद से पहले और ईद के दिन और वो कोशिश कर रहे हैं कोई लेकर जा रहा है, बोले साहब इसने मास्क फेंक दिया, इसने यहां पे मास्क फेंक दिया। और अब बात मौसम की करेंगे।